हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का दिन बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि बाहर बड़े दिनों के बाद हुई है जनाब बारिश। गर्मी ठीक ठाक हो गई थी, हमें तो लग रहा था कि ये ना हो कि लाहौर ही बन जाइए जुलाई में लेकिन इतनी तूफानी बारिश हुई है। जरा इधर से अगर आप पीप आउट करें, अभी मैं बाहर भी जाकर आपको दिखाऊंगी, तो बड़ा ही एक बारिश वाला और एक ठंड वाला मौसम हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने शावर लिया तो मुझे सर्दी लगने लग पड़ी और मैं ये स्वेटर लेके आई हूँ, तो एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि जून और जुलाई में हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं अच्छा मौसम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। और दूसरी न्यूज़ मैंने आपको ये देनी थी कि आज मरियम थोड़ी सी डाउन है क्योंकि उसको जुकाम सा और आई थिंक इट्स वायरल बॉडी एक्स और पेन, मुझे भी थोड़ा सा हुआ है, इनफैक्ट हम सबको ही हुआ हुआ है। तो मैंने और बाबा ने किचन को कर लिया है मुजीब, संभाल लिया, हमने कुछ संभाल लिया किचन जनाब, हमने ये सारा टेक ओवर आज किया हुआ है। एक तरफ हमने अभी चाय रखी हुई है क्योंकि मौसम का तकाजा ही ये था कि चाय पी जाए, दूसरी तरफ हमने एक इजी सा मजेदार सा मेन्यू सेट किया है जिसमें कि ये चावल बॉयल होने लगे हैं और साथ में आलू बनाने लगी हूँ जीरे वाले। और मुइज ने कहा है कि उसको एक और बड़ी अच्छी चिकन विद व्हाइट सॉस वाली रेसिपी आती है, तो मैंने कहा कि चूंकि आप लोगों ने उसकी चिकन कढ़ाई बहुत पसंद की थी तो मैंने मुइज़ को कहा, मैंने कहा चलो फिर वो हमें प्लीज महरूम ना रखना अपनी उस चिकन विद व्हाइट सॉस वाली रेसिपी से, तो वो बनेगी और ये सारा कुछ आज चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं चावल उबलने के लिए रख देती हूँ और आलू छीलती हूँ और साथ साथ पीते हैं जनाब चाय। स्टे विद मी। ए गए जी, दो सैशे इधर चाय के और दो सैशे इधर, और जैसे कि आप आवाज सुने और ये धुआं देखे, ये आप देखे थे, भाई चाय इन रेनी सीजन ऐ हो गई जी बाबे दी ठाबे दी चा बाबा जी बाहर का मौसम चेक करें, ओए होए होए, कसम से लगता है सर्दू आ गए हैं। हाय 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 हाय, वाह जी वाह, ये बरसने वाले बादल हैं और हल्की हल्की फुवार टाइप बारिश हो रही है। अमूमन यहाँ पर ना काफ़ी गिलहरियाँ और डियर वगैरह आ जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो ये देख लें कि अल्लाह ताला ने जितनी जानदार चीज़ें बनाई हैं ना वो उधर जाकर छुप जाते हैं क्यूटीज़। खैर, बहुत प्यारा मौसम है, चलें अंदर चल कर किचन का हाल अहवाल चेक करते हैं। ये हो गई हमारी चाय तैयार और चाय के साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि ये चावलों का पानी चढ़ा दिया जाए, तो मैं ये ऑन करने लगी हूँ जनाब, ये और ये मैंने डाला। मैं नमक चूल्हे में तो नहीं डालने लगी? नहीं मुझे ये देखे अंदाजन ये मैंने डाल दिया इसमें नमक, क्योंकि पानी ज्यादा डाल के ऊपर से डिस्कार्ड करना है अंदाजन। ठीक है, ये रखा और अभी पानी बॉयल होगा तो चावल हमारे धुल चुके हुए हैं, ये मैं इसमें डालूंगी और साथ ये थोड़ा सा मक्खन है यहाँ पे रखा हुआ, इसका मैं लगाऊंगी ऊपर दम और उतनी देर में चाय पीते हैं और फिर आपसे होती है थोड़ी देर में मुलाकात। बहुत ज्यादा ना डालना। हाँ डाल दे, दिस इज एनफ। हाँ जी एनफ, ठीक है, थोड़ा सा डार्क है वैसे भी। ये दूध हो गया। क्या कलर आया है चाय का, बड़ा मजेदार कलर। मैं तो कहती हूँ इसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा और गर्म कर ले। अच्छा, आज ठंड है ना, जल्दी ठंडी हो जाएगी और गर्म गर्म चाय पीने का ज्यादा मजा आएगा। चलो कर लेते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कह रही हो? हाँ, सारों को भी कह रहे हैं ना मुझे सलाम, सारों को कहे अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। हम सुबह से लगे होते हैं किसी ना कोई कार्रवाई में, तो ये अभी हमने आपको चाय बना के दिखा और ये है जायंट साइज पोटैटोस। इसका पतले पतले छिलके यहाँ पर जो है ना, आलू का थोड़ा से मेकिंग टाइप डिफरेंट नहीं है एज कम्पेयर टू हमारा है उधर, है ना? हर मुझे लगता है एरिया का आलू डिफरेंट होता है। ये जो हमारा है ना स्कर्दू, हाँ,
वो वाली गिलगित की साइड, वहां के इतने मजेदार आलू हैं। हम गए थे वहां पे, तो वहां पे ताजे ताजे उन्होंने हमारे सामने खेतों से पहले खोद के आलू निकाले और हमें चिप्स बना के दिए। उस टेस्ट के चिप्स मैंने आज तक नहीं खाए, फ्रेंच फ्राइज। डू यू रिमेम्बर, मुझे हमारे बच्चे छोटे थे, साथ हमने चाय बनवाई और साथ उन्होंने ना डिगिंग की। गिलगित की बात कर रही है, एग्जैक्टली। चौंसा भी बड़ा याद आ रहा है, आप लोग बताए, उधर उड़ा रही है ना मेरे बगैर फिर चौंसे। मैं बताऊंगी फिर वहाँ। अभी आप लोगों को चाहिए फ्रीज करके मेरे आने तक रखे, और जब मैं आऊँ तो मुझे कॉमेंट करें कि मामा गिलोर हम आपको फ्रोजन चौंसे भेज रहे हैं। ठीक है, लव यू गाइस। पानी ये देखिए बॉयल हो रहा है, तो अब इसमें हम डाल देंगे राइस। यस, इसके ऊपर मुझे ढक्कन दे दें। ये लीजिए, ढक्कन हो गया। तो अभी जब ये थोड़े से गल जाएंगे, ऊपर से हम पानी डिस्कार्ड कर देंगे, थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसको रखेंगे दम पे। मीनवाइल ये मैंने देखे चिकन को क्यूब्स में कर दिए, क्यूब्स तैयार हैं हमारे। और आलू जीरे वाले जो बन रहे हैं वो बाबा मुझे छील के दे रहे हैं, तो इनको भी मैं धो के इनको टुकड़े टुकड़े करूँगी। लेकिन पहले थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, चाय पीती हूँ और फिर आकर रिज्यूम करती हूँ अपनी कुकिंग, जो कि चाय ठंडी होगी होगी, दोबारा से गरम कर ले। ये मैं अब चाय दोबारा मेरी चाय हमेशा 2-3 दफा गरम होती है। यस यस यस। अच्छा जी, एक तरफ ये चिकन कट गई है, आलू कट रहे हैं, और मैं पीने लगी हूँ चाय, और साथ मैंने ले लिए इतने से ड्राई फ्रूट्स। ले जी, चावलों को जो है ना दम बखुद करने लगी हूँ, दम बखुद। ये चावलों में से पानी मैंने कर दिया ड्रेन। कैसा है मुझे बहुत अच्छा। ये मैंने क्योंकि चावल काफ़ी गल गए थे सारा ही पानी निकाल दिया, पर मैं अक्सर थोड़ा सा पानी रखती होती हूँ। अब इसको हल्का सा दम लगाएंगे मक्खन के साथ। मज़े आने लगे हैं भाई। ये मैं आलूओं का भी करने लगा हूँ, धोई धोई। इधर से भी टमाटरों को भी होने लगा है, धोई धोई। तो मैं शुरू करने लगी हूँ बनाने जीरे वाले आलू, और बहुत ही सिंपल रेसिपी से। तो चलिए आए बनाते हैं। हमने जीरा डाल दिया, ऑयल डाल दिया, और ये अभी हम गार्लिक डालने लगे जी। देखो इतना कभी मुझे भी समझ आ गई, हमें प्रो बनता जा रहा है। अदरक अदरक थोड़ा सा जैसे काफी और आने लगी है अच्छी स्मेल जी। और बीच में डाल के रख दूंगी ये एक डाइस करके टमाटर, टमाटर ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क देंगे नमक, आग को करेंगे हल्का सिमर पे। सिमर पे कर दिया अभी हमने, इसको बंद कर दिया और इसको अभी हमने बंद कर दिया। चावल डन है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके,
इसकी लाइट नहीं आने वाली, ठीक है ना? सामने वो वाली लाइट है, उधर तो आप आ रहे हैं। क्लीन कर दिया जी। और अब ये ना मैश हो जाएंगे डीसी से। ये इसका मसाला सब बन गया है। ये इसमें है लहसुन, अदरक, जीरा और टमाटर, साथ में डाल दूंगी इसमें आलू। आलू ये आलू की शक्ल पर ना जाए क्योंकि ये आलू मैंने काटे हैं भाई सारे। ये बिल्कुल देखो ना, ये बहुत मोटे मोटे हैं। या इनको थोड़ा सा हिला के दम पे रख देंगे नमक डाल के, ठीक है? फिर मैं इनकी दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। तो ये मैंने इसमें दो हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, टमाटरों वगैरह का मसाला भी है, और इसको मैंने बिल्कुल हल्की आग पे ये देखें रख दिया है तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। ये कोई 50वीं मुट्ठी है जी, ये 50वीं मुट्ठी है आपकी। मुझे एक एक मुट्ठी खानी होती है। ये दिखाएं आलू, आलू दिखाएं और सूंघ के बताएं कैसे बने हैं। जस्ट है ना, ऊपर तक आ रही है ना। ओए होए भाई, अजीम आलू बन चुके हैं, अजीम। ठीक है, 2024 के। और अब यहाँ पर मुइज़ ने अपना चिकन बनाना शुरू कर दिया है। हेलो, रेडी टू कुक? यस, सारे इंग्रेडिएंट्स हमने रखे हैं इधर। ये तो हो गया ना, चिकन डाइस। ओ वाह, पार्सले, इतने फाइन चॉप्ड किसने किए हैं? आपने। और साथ पार्सले, साथ अनियन, साथ चिकन। और ये रेसिपी आप लोग भी फॉलो करिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये मुइज़ की। वैसे मुइज़, आपकी कढ़ाई चिकन भी लोगों को अच्छी लगी है। I'm glad. तो आओ बाहर चलते हैं, बाहर बड़ा प्यारा मौसम है। चलो गाइस, अभी ब्लैक पेपर और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लाने वाली थी, तो बाबा और जैन गए हैं वो चीज़ें लेने के लिए। और मीन वाइल हमने कहा कि जो बारिश का क्लाउडी सा मौसम है उसको हम बाहर जाकर मैं और मुइज़ करते हैं इन्जॉय, और फिर आकर करते हैं रेडी अपनी चिकन। ये सामान आ गया, इसमें से भी एक बटर ढूंढना है और एक ब्लैक पेपर। ये क्या है? चीज। वाह जी वाह। हाँ जी, दिस इज फॉर यू अंजुम। ओह सो नाइस, ब्यूटीफुल। ये येलो है कि ऑरेंज है? ऑरेंज एंड येलो। लेट मी, वेरी नाइस। एक मिनट में पानी लाती हूँ, वॉज में डाल के उसमें डाले। अच्छा जी, मुझे स्टार्ट कर दिया। पैन थोड़ा छोटा है क्योंकि आमना, मरियम और जैन सिर्फ दो ही होते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े पैन्स नहीं उन्होंने रखे हुए। व्हाट इज दिस? मजेदार ग्राउंड नटमेग। इसको क्या करना है? ठीक है यार, इसके साथ ही हो गया। Unsalted, I guess. Yeah.
अभी नहीं के हाफ इतना सा लिया ऑयल था हमारे पास में ले आया जी बेटा भी था ऑयल है और हां ऑलिव ऑयल यही है लेकिन ऑलिव ऑयल का वो है स्प्रे नहीं ये चला गया जी ये चला गया जी बटर ये चला गया बीच में थोड़ा सा ना होने के बराबर ऑयल अच्छा जी बटर और ऑयल में जाने लगा है ये गया जी तो इसलिए ऑयल जरा कम डाल रहे हैं ना क्रीम में डलेगी पहले इसको बाहर निकालना होगा लेकिन तो सॉस इसमें बनाना शुरू कर देते हैं तब तक जब तक ये गोल्डन हो रहा है या हाँ ये भी कर सकते हैं या फिर मैं इसी में से निकाल कर इसी में बना दूँगा क्योंकि वो उसके जूसेज होंगे मेरा शेफ बेटा सही जा रहा है अंदर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट Too much salt is not good for health. लेकिन without salt भी कोई मज़ा नहीं आता खाने का अच्छा जी salt के बाद डल गई black pepper और nutmeg. वो वाइज चलना है मुझे याद है इसमें मुझे थोड़ा सा करना पड़ रहा है अंदाजा वरना अदरवाइज अगर प्रेस फिले हो ना 3-4 तो आई नो ये अगर बेसिकली ब्लैक पेपर में नमक में और मक्खन में ये जो चिकन के पीसेस है ना ये रोस्ट हो जाएंगे है ना या इसको थोड़ा सा वो करना है ठीक है ये मुझ में मिला ओके क्या बस इज दैट ऑल देखो ना वो ये तो कच्चा है अभी हाँ नहीं नहीं वो इस बताओ ना जवाब देखो मेरे बेटे ने अभी फिलहाल ये बना दिया है और मुझे कहा है कि ये है मामा आपकी डिश All I can see is buttery. इधर यहाँ पे juices हैं ये निकले हुए ये बाकी फिर दोबारा मक्खन डल गया ये बच्चा तो बनाएगा हमें पहलवान नहीं नहीं ये रोज दे जाए करेगा ये पता नहीं क्या बन गया क्या हुआ बाबा बोल रहे हैं वॉल जो है वो बन गया ये तो वो अच्छा जी अभी डलेगा गार्लिक कितना डेढ़ चम्मच कर दीजिए डेढ़ चम्मच हाय क्या उछल कूद जब ये लहसुन करता है ना बटर में कितनी मजेदार खुशबू आती है मक्खन और गार्लिक की 30 सेकंड्स के लिए ओके जी काउंटडाउन स्टार्ट कर दें क्योंकि ये 30 सेकंड्स के लिए और इसकी ये हीट बस ये इतनी ठीक है ओके ये भुने शैलेट से लेकिन या हाँ लेकिन इसको वो तोड़वा बन गया तो फिर आया नहीं जी हाँ ये शैलेट से शैलेट तो बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छा से उसका जो इंटरेस्ट है वो होते जरूर छोटे छोटे हैं शैलेट आगे से बैठ के ओ प्याज ही करते हैं यूज़ करेंगे ठीक है
अच्छा जी, ये फ्लावर्स लाए गए हैं फॉर बल्लू भी, मेरे लिए भी बाबा लाए हैं ना। हाँ। तो बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सक रही हूँ, लेकिन ये पानी क्यों इस किस्म का है? फ्लावर फूड है अंदर। अच्छा, फ्लावर फूड, फ्लावर फूड क्या होता है वो? उन्होंने साथ सैश दिया होता है जिसके अंदर बहुत सारा फूड होता है, सॉल्ट्स होंगे बेसिकली, जिससे फ्लावर्स खुश हो जाते हैं। देखें बहुत ही खूबसूरत ये शेडेड किस्म का पिंक है। कोई बात नहीं बेटे, जब जोर से चीख की आवाज आएगी। ये गुलाब है भाई, मैं हैरान हो रही हूँ देख के। ये फ्लावर फूड दिखा, ब्यूटीफुल ये फ्लावर, ये देखे जी, ये कोई केचप नहीं है, फ्लावर ऐसे ऐसे करें, ठीक है मैं दिखा, ये एक मिनट, ये देखें जी, ये फ्लावर के लिए कोई सम काइंड ऑफ फूड है पाउडर फॉर्म में, जिससे ये काफ़ी देर तक जो है ये ड्राई नहीं होते हैं, फ्रेश रहते हैं। और मरियम को वैसे ही फूलों का क्रेज है। बोली ठीक हो? वाह जी वाह, क्या खूबसूरत लग रहे हैं ये फ्लावर्स, ब्यूटीफुल। अच्छा जी मुइज, ये आपने इसके अंदर हमने डाल दिया जनाब, ये बेसिकली जब मैंने ये यहाँ से मैं गई थी तो अनियंस वो इस बटर में हो रहे थे फ्राई, उसके बाद अब ये इसमें है अनियंस, चिकन स्टॉक और गार्लिक, गार्लिक में पहले तो बटर में गार्लिक डाला था और उसकी बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आई थी, फिर मुइज ने छोटे छोटे चॉप किए हुए अनियंस डाल दिए थे, अब ये पार्सले जा रहा है, और जो इसके अंदर थोड़ा सा एक लिक्विडी सा जो है वो इसमें चिकन स्टॉक डला हुआ है, जिनके पास चिकन स्टॉक नहीं है वो कनौर का क्यूब डाल के थोड़ा पानी डाल सकते हैं, या खाली पानी से भी बन जाएगा ये। हो क्या कलर आ गया, उफ क्या टेम्पटिंग खुशबू आ रही है, आई विश कि मैं आप लोगों को ये खुशबू सेंड कर सकती। हाँ मुझे वो जैन ठीक कह रहा है, कई दफ़ा ये उसी तरह ही रह जाता है क्रीम। अच्छा जी ये फुल फैट क्रीम है मेरे ख्याल में, ये फुल फैट क्रीम है, हैवी क्रीम, हैवी क्रीम मतलब लाइक सही मक्खन नुमा क्रीम, यमी। और ये अब आ रहा है जनाब इसका मैजिक इंग्रेडिएंट विच इज़ नटमेग, ठीक है, और नटमेग को उर्दू में क्या कहते हैं ये सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे लगता है जायफल या जावित्री कुछ होगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर, बट लेकिन ये है बहुत ही मज़ेदार खुशबू इससे आ गई है, ये सॉस से बन गई है एक। अब क्या निकाल रहे हो? अच्छा एज़ यूजुअल मुइज़ इसमें हल्का सा शुगर डलेगा, जो कि अच्छा ये शुगर मीठा करने के लिए नहीं डलता, बल्कि ये सारे फ्लेवर्स को एनहेंस करने के लिए थोड़ा सा लाइक हाफ टेबल स्पून शुगर डलती है इस तरह की सॉसेज में। ये और मुइज मैं आई एम रियली इम्प्रेस्ड बेटे, वो भी बन जाए पहले। नहीं लेकिन ये जो खुशबुएं आ रही है ना इससे तो यही लग रहा है कि बहुत ही कोई मजा आने वाला है। यम यम। और इसके नीचे स्लो है आग, ये अब सिमर होता रहेगा यहाँ पे जी। अब ये इसमें ऐड करने है, लेकिन नीचे नहीं डालना चाहिए। क्या ऐड करना है? ठीक है लो अब मैं ऐड करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ले जी ये इतना ज्यादा जो गौर हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब फाइनली चिकन को दिया गया है सॉल्ट, में थोड़ा सा कम रखता हूं और अब ये कड़वा ना हो, पकेगा इसमें और जब ये फाइनली पक जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इस डिश की फाइनल लुक। क्या फ्लेवर्स हैं। तो ऑलमोस्ट ये है ना, अब ये इसको थोड़ा सा ना सॉस को थिकन होने की जरूरत है, और अब ये सब कुछ यहाँ पर सिमर हो रहा है और साथ हमारा राइस रेडी हुआ है ये, और जी साथ हमारे
बहुत ही यम्मी किस्म के आलू रेडी हुए हुए हैं ये, और हम अभी खाने लगे हैं खाना। तो ये अभी खा कर सब लोग रिव्यू देंगे। फाइनल रिचुअल मोहित जी क्या है? ये फाइनल रिचुअल है इसको कंप्लीट करने का। अच्छा, दैट इज गुड, इट इज कंप्लीट नाउ। वाह जी वाह, गुड हो गया कि जी खाना लग गया। वाओ, हम नैप करके क्या उठे यहाँ पे तो पूरा भाई ने, भाई ये आलू मामा ने बनाया है ना। दिस लुक्स अमेजिंग। अच्छा जी, आज खाने का रिव्यू लोगों के मोस्ट फेवरेट जैन देने लगे हैं। तो ये डाला जी बिस्मिल्लाह पढ़ के चावल और साथ ये डाला जी, वो इस डिश का नाम बता दो, चिकन विद व्हाइट सॉस। चिकन विद व्हाइट सॉस। और ये हो गया जनाब साथ थोड़े से आलू, और अब जनाब ये लिए फर्स्ट बाइट। गुड, वहीं पे छा गया सर, छा गए भाई, छा गए। थैंक यू। और क्या क्या फ्लेवर्स फील हुए? ओवरबेयरिंग नहीं है, तो जो व्हाइट सॉस है ना वो चावल के साथ बहुत अच्छी ब्लेंड कर जाती है। और चिकन बहुत अच्छा है, वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लगा। चलो शुक्रिया, थैंक यू। वाओ। तो जी ये था हमारा आज का खाना। Oh my God, भाई, wow, really? It's so good. Thank you, यार. मुझे जो आप घर में बनाते हो, it's not possible कि वैसे बेहतर हो. It's not possible. This is so good. So good, yeah. वो इस असल में ना जो ingredients हैं उनपे उनको काफी seriously लेते हैं, जी. चुपके चुपके. हाँ, चुपके चुपके. मैंने ये क्या हो रहा है खाना खाने के बाद? ये ना समझिएगा क्या चौंसा है। ये फिलिपिनो आम है। नहीं, मैक्सिको। मैक्सिकन आम है, लेकिन है बहुत मीठा। और इस तरह से मुझे आम मरियम ने काट के दिया है, और इस तरह से हम खाएंगे इसको। वाओ वाओ वाओ, बहुत ही मजे का आम है, लेकिन पाकिस्तानी आम का मुकाबला नहीं है। खाने का बहुत मजा आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखे, हमें दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज़।